शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। टॉपिक है, क्या चाय बेचकर कोई करोड़पति बन सकता है। शेयर करने जा रहा आपका दोस्त सुरेश बावरवा। आपकी अपनी इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके दिमाग में शायद 1,25,000 का सवाल खड़ा होता होगा कि क्या चाय बेचकर कोई करोड़पति बन सकता है। मेरा जवाब है हाँ, हाँ और हाँ, जरूर से बन सकता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे मोदी साहब, वह भी तो कभी चाय बेचा करते थे, है ना। आज वह भारत जैसे बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में वह पॉपुलर हो चुके हैं। आज देश विदेश में मोदी 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 का नाद गूंजता है। अगर कोई इंसान चाय बेचकर अपने करियर की शुरुआत करता है और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो फिर करोड़पति बनना कोई नामुमकिन बात नहीं है। वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पहले चाय बेचते थे और आज करोड़ों रुपये कमा चुके हैं, लेकिन आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ, वह एक पढ़ा लिखा इंजीनियर कक्षा का लड़का है, जिसने इंजीनियरिंग की जगह मोदी की तरह चाय का व्यवसाय चुना और आज खुद करोड़पति बन गया है। जी हाँ, आप बहुत समझदार हो। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौर की। लेकिन रुको रुको रुको, आज हमारा टॉपिक MBA चाय वाला की कहानी नहीं है। उसने ये बिजनेस क्यों और कैसे किया, वह भी हमारा टॉपिक नहीं है। पर हमारा टॉपिक है, क्या चाय बेचकर कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। अगर हाँ, तो आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों लोग चाय बेच रहे हैं, तो फिर MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौर ही क्यों सक्सेस हो पाया। सिर्फ मोदी साहब ही प्रधानमंत्री क्यों बन पाए। आज हर व्यक्ति MBA चाय वाले की ही कहानी क्यों शेयर कर रहे हैं। आपके शहर के दूसरे चाय वाले या आपकी ऑफिस या दुकान पर चाय देने आने वाले व्यक्ति का वीडियो क्यों नहीं बना रहे, है ना सोचने जैसी बात। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों, प्रफुल्ल एक ऐसा लड़का है जिसके दिमाग में चाय का स्टॉल खोलने का आइडिया आया और उसने अपने आप पर भरोसा किया। खुद पर अगर भरोसा हो तो सफल होने से दुनिया की कोई नेगेटिव ताकत उसे रोक नहीं सकती। दुनिया चाहे कितनी ही टांग खींच ले, पर वह रुकता नहीं है। उसने अपने आप पर भरोसा रखकर आइडिया को एक्शन में लाने की कोशिश की और शुरुआत कर दी चाय के स्टॉल की। फिर क्या, पहले ही दिन एक भी चाय पीने के लिए कोई कस्टमर नहीं आया। दूसरे दिन कुछ कस्टमर्स आए, पर वो बंदा डीमोटिवेट नहीं हुआ और लगातार काम करता रहा और सीखता रहा। जो व्यक्ति अपने आइडिया पर कायम रहता है, वो कामयाबी के शिखर को जरूर से सर कर सकता है। उसने वही किया जो आज एक स्टॉल से शुरू की जर्नी आज कई सारे स्टॉल्स में बदल चुकी है। जिसके स्टॉल पर पहले दिन एक भी कस्टमर नहीं आया था, उसके स्टॉल पर अब चाय पीने के लिए लाइन लगती है। आज उसका करोड़ों का टर्नओवर है। इसीलिए सभी चाय वाले प्रफुल्ल की तरह सफल नहीं बन पाते। अगर अपने बिजनेस या स्टार्टअप में कामयाब होना है, तो जो दुनिया वाले कहे ऐसा नहीं, पर अपना दिल जो कहे वह काम करना है। कोई भी कार्य करने से पहले 1,000 बार सोचना है, पर जब कार्य की शुरुआत कर ही दी है, तो एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक ही काम लगातार बार बार करते रहने से कितना भी कठिन काम हो, पर वह एक दिन बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर प्रफुल्ल से इतना सीख लिया, तो बिजनेस चाहे कोई भी हो, पर कामयाबी आपको ज़रूर से मिलेगी। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करके आगे शेयर जरूर से कर देना। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।